अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप जो सेक्शन का नाम लेते हैं वो कैटलॉग में नहीं होते, उनके नाम कुछ और हैं और रेल लिस्ट पर कुछ और नाम होते हैं, तो लिहाजा मैं इनकी तफसील के बारे में बताएं कि क्या इनका सिस्टम है। तो इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डबल एस का सेक्शन है जो कि फ्रेम में लगता है। इसको GSL 01 बोलते हैं जो बड़ी कंपनी है, और दूसरी DG 26 बोलती हैं। इसी तरह ये पल्ले का सेक्शन होता है, ये देखें तो ये पल्ले में लगता है, चलो साइड पर फिक्स में और स्लाइडिंग में। तो इसको DG 23 भी बोलते हैं और GSL 03 भी बोलते हैं, जो कि जो बड़ी कंपनी है वो GSL यूज़ करती हैं, जो छोटी कंपनी है उनको DG के नाम से बुलाती हैं। इसी तरह ये सिंगल ग्लास शीशे के लिए, जिसमें 5 मिली का और 8 मिली का शीशा डाला जाता है, तो इसको DG 23A और GSL 02 बोलते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखें। बस दूसरी कंपनी की जो रेल लिस्ट होती है उन पर DG लिखा होता है, और जो बड़ी कंपनी की रेल लिस्ट होती है उन पर GSL लिखा होता है। इसी तरह हमारा जो ये सेक्शन है कॉलर का, इसको इंटरलॉक भी बोलते हैं, जो इसका लेकिन नंबर है इसको DG 28 और GSL 04 बोलते हैं, और ये इंटरलॉक का काम करती है जैसे 28 नंबर काम करता है। तो इसी तरह इसकी जो जाली का सेक्शन है, ये देखें ये जाली होती है इसकी, तो इसको DG 29 बोलते हैं और GSL 05 भी कहते हैं। तो इसी तरह ये सेक्शन 4 ही यूज़ होते हैं, इनको जहन में बैठा लें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।